लद्दाख किसी भी ट्रैवलर के लिए यहाँ आना एक सपना पूरा करने जैसा होता है। और लद्दाख में ही एक काफ़ी हिडन वैली है, सांस्कार वैली। ये जगह इतनी अनटच्ड है कि यहाँ जाने के लिए आज से 4-5 साल पहले ट्रैकिंग या घोड़ों से जाना पड़ता था। तो शुरू करते हैं एडवेंचरस वर्चुअल जर्नी लेह चल लद्दाख में सीजन 3 ओवरलैंडिंग इन सांस्कार। This is day 2-3-4-5 literally we lost the count on the days, क्योंकि पिछले 6-7 दिनों से ना ही फोन में नेटवर्क थे और ना ही इंस्टाग्राम पे स्टोरी डालने की कोई एंजाइटी थी। Just like this beautiful morning, we were loving and living it. By the way, all the Marvel fans, good morning. My name is Shakti and you are watching Traveling Mondays. सीन ये था कि हमारे पास दो ऑप्शन थे, या तो हम ड्रांग ड्रूंग फॉल्स जाएं जिसमें जाने में 4 घंटे आने में 4 घंटे, सेकंड ऑप्शन कि हम यहाँ पर शीला वाटरफॉल जाएं और काशा करके एक मॉनेस्ट्री यहाँ पे वहाँ जाएं। सो वी डिसाइडेड कि हम लोग 3 एक्सपीरियंसेस लें रादर देन गोइंग टू 1 प्लेस। तो डे प्लान तो रेडी था और साथ में रेडी थे ब्रेकफास्ट में डिलीशियस छोले भटूरे। क्या बात, मैं कॉफी ले लूंगा। मैं चाय ले लूंगा। यहाँ का खाना काफी टेस्टी था और यहाँ के होस्ट काफी फनी और फुल ऑफ लाइफ थे। और फिर वाइल्ड एडवेंचर्स इंडिया के साथ मिलके वी आर रेडी टू एक्सप्लोर सम ब्यूटीफुल प्लेसेस टुडे। आप साथ चल रहे हो ना, लेट्स गो। वैसे अगर आपके पास में जियो या एयरटेल का पोस्टपेड कनेक्शन है तो शायद आपको थोड़ा इंटरनेट और नेटवर्क्स मिल सकते हैं, लेकिन बाबा हमारे पास ना ही गूगल बाबा थे ना ही इंटरनेट, बट समहाउ वी मैनेज टू रीच आवर फर्स्ट लोकेशन। और इस तरह हम पहुंच गए हैं काशा नाम के एक विलेज में, काशा गोम्पा। काशा गोम्पा में मेन 2 टेंपल्स हैं, योकमा एंड कोगमा। एंड नाउ वी आर एंटरिंग कोगमा प्रेयर रूम विच इज ब्लेस्ड विद अ वाइब ऑफ पीस एंड एंशिएंट वॉल पेंटिंग्स। दिस मॉनेस्ट्री इज 1000 years old। यहाँ पे बहुत सारी वॉल्स पे स्ट्रक्चर्स बने हुए हैं, स्केच बने हुए हैं। इनका काम इतना बारीकी से किया हुआ है, ऐसा लग रहा है कि डिजिटली प्रिंट किया हो। बिल्कुल इवन थिकनेस, इवन इट लुक्स लाइक डिजिटली डन। दे आर लाइक मोर देन 1000 years old। एपिक। क्या बना रहे हैं आप? सत्तू खाने के लिए। हाँ। और अब चलते हैं इस मॉनेस्ट्री के सेकंड पार्ट योकमा में। कितनी अमेजिंग बात है यार, लोग इतने सिक्लूडेड जगहों पे रहते हैं। और पता है जितनी मॉनेस्ट्रीज होती है सबका बेसिक कॉन्सेप्ट यही होता है कि वहाँ पे छोटे बच्चे आते हैं, वो स्पिरिचुअल और एजुकेशनल चीजें सीखते हैं, प्रैक्टिस करते हैं। चले स्कूल जा रहे हो? कौन सी क्लास में हो आप? फोर्थ। आपका स्कूल दिखाओगे हमें? चले। That's how I happened to visit a monk school for the very first time. तो मॉनेस्ट्री के इस प्राइमरी स्कूल में सिर्फ एक ही टीचर थे, सो आई वेंट टू मीट हिम एंड आई आस्क्ड हिम अ लॉट ऑफ क्वेश्चंस। ही टोल्ड मी यहाँ 8 साल की उम्र से बच्चे स्कूल आना शुरू करते हैं, यहाँ वो लगभग अपना सारा काम खुद करते हैं एंड दे हैव ए वेरी डिसिप्लिन लाइफस्टाइल। स्कूल में वो हमारी तरह साइंस, हिंदी, इंग्लिश, मैथ्स पढ़ते हैं।
एंड ऑल्सो दे स्टडी फिलोसफी देयर मदर टंग बोधी लैंग्वेज एंड देयर स्पिरिचुअल बुक्स. और ये भी बताया कि अगर कोई वॉलंटरी टीचिंग करना चाहता है तो यहाँ आकर बच्चों को पढ़ाते हुए मॉनेस्ट्री में रह सकता है. जस्ट इमेजिन, आपको लाइफ में एक ब्रेक चाहिए और आप दुनिया से दूर आकर यहाँ बच्चों को पढ़ाते हुए मॉन्क लाइफस्टाइल एक्सपीरियंस कर रहे हो. और इसके लिए पहले आपको मॉनेस्ट्री के एडमिनिस्ट्रेशन से बात करनी होगी. ऐसा नहीं कि शक्ति भैया ने भेजा था और बैग लेके पहुँच गए. Guys, it was such a nice talk with the teacher, and it was such a nice meet with the students. This was a monastery school. Bye, kids. Bye bye. तो काफी देर से मैं यहीं था, अब चलते हैं ऊपर. इसके अलावा मुझे मॉन्क टीचर ने बताया कि इस मॉनेस्ट्री की खास बात यह है कि यहाँ एक लगभग 600 साल पुरानी ममी यानी बोन स्केलेटन को प्रिजर्व करके रखा गया है. एंड फॉर दोज हु बिलीव इन मेडिटेशन, दिस प्लेस माइट फील लाइक हेवन टू यू. क्योंकि यहाँ अंदर आते ही आपको एक शांति फील होती है. बाय क्वाइटनेस आई डोंट मीन द क्वाइटनेस ऑफ साउंड्स, आई मीन द क्वाइटनेस ऑफ द थॉट्स. Going ahead in this video, let me talk about the sponsor of this video, Skillshare. Skillshare एक online learning community है. यहाँ पर आप किसी भी तरह के skill को घर बैठे सीख सकते हैं. Be it cooking, gardening, digital illustration, photography and what not. अगर आपका मेरी तरह filmmaking में interest है, तो आप Dan Mays की filmmaking for all class ले सकते हैं. आप बताओ यार, आपको मेरी story telling कैसी लगती है? तो मैंने Dan Mays की जब ये class की, it really helped me to tell my story in a better and crispier way. Skillshare का annual subscription 1800 रुपए का है. That means 150 rupees per month and it's less than your single order of online food delivery. Skillshare की खास बात ये है कि यहाँ पर सारी classes ad free हैं और आपको मिलती है हजार से ज्यादा classes का option. मतलब आपको जो सीखना है, beat filmmaking, beat skating, beat hip hop, beat music, beat painting, beat illustration, beat photography, beat whatever you want to learn, my friend, you can learn on Skillshare. तो भाई लोग, आप लोगों के लिए offer है कि जो पहले हजार लोग मेरे नीचे दिए हुए custom link पे click करेंगे, उन्हें एक महीने का free subscription मिलेगा Skillshare का. And with this being said, let's get back to our story. Let's get back to Zanska. Guys, I hope you enjoyed the drone shots. Gunj check kar raha hai ki FPV fly kar sakte hain ki nahi. Wind bahut tez hai. Let's see. Bataye to dikhate hain aapko nazare. Ekdam jab wire aa gaye samne. दिखी नहीं, बाहर तो हमेशा से ही थी, पर दिखी नहीं. दिखी नहीं ना, वही तो एकदम ज्यादा बदलो. तो ड्रोन ने अपना कनेक्शन लूज किया एंड इट क्रैश अंडर द कार. गाइस लुक एट इट, वहां पर है ड्रोन. एफपीवी ड्रोन फ्लाइट्स में कनेक्शन लूज होना काफी कॉमन होता है, लेकिन मम्मी के आशीर्वाद से शायद ड्रोन ठीक है. बच गया. कहाँ जा रहे? अभी जाएंगे हम, पहले लंच करेंगे. भूख लगे? हल्का फुल्का. चलो. और फिर पादुम पहुंचकर एक रेस्टोरेंट में लंच किया. और फिर निकल गए अपनी नेक्स्ट लोकेशन शीला विलेज के लिए, विच इज 8 किलोमीटर ड्राइव फ्रॉम बादो. शीला वाटरफॉल लूंगा. गाड़ी इधर रखना पड़ेगा. पैदल रास्ता यहीं से ना? चल ठीक है. यहाँ पहुँचते ही मेरी ट्रिप गैंग निकल गई वाटरफॉल की तरफ और मुझे दिखाई दिए रोड की दूसरी तरफ ये खूबसूरत फील्ड्स.
and I could not stop myself from capturing that. आप पहली बार आ रहे हैं? जी जी जी, फर्स्ट टाइम. बहुत ब्यूटीफुल है. अच्छा अच्छा. मई में हमारा सोइंग सीजन स्टार्ट होता है. ओके. फिर मई जून जुलाई अगस्त तक इसको इरीगेशन संचय करते रखता है. अच्छा. इसमें हम ये बोते हैं मटर, गंदुम, गेहूँ. अच्छा, तीन चीज़ें. तीन चीज़ें बट तो अगस्त 15 अगस्त के बाद इसकी कटाई शुरू होती है, जो कि अभी चल रही है. हाँ, ये हो गया हमारा हार्वेस्टिंग सीजन. जी 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 जी, है ना. और अगर आपको फील्ड्स के ये नज़ारे देखने हैं तो आपको आना होगा अगस्त एंड या सितंबर बिगनिंग में. रास्ता किधर होगा? इधर से शायद उधर जा रहा होगा. मेरे साथ ये हर ट्रिप पर होता है कि जब भी मुझे कुछ क्रेजी दिखता है, मैं उसे शूट करने के लिए सब कुछ भूल कर भाग जाता हूँ और फिर दोबारा भागता हूँ सबके साथ कैच अप करने के लिए. बट आई थिंक दिस इज द प्राइस आई पे बाय चॉइस टू टेक यू गाइज अलोंग ऑन दीज ब्यूटीफुल ट्रैवल एक्सपीरियंसेस. That is Shila Waterfall in Shila Village in Zanskar. और आप देख रहे हो यहाँ पे पूरा ऊपर एक कर्व बना हुआ है, उसके अंदर से ये वाटरफॉल आ रहा है. Pretty beautiful. Zanskar एक कोल्ड डेजर्ट है, यहाँ बारिश बहुत कम होती है. इनफैक्ट मैं खुद ये पहला वाटरफॉल देख रहा हूँ लद्दाख में. जब भी मैं किसी जगह पर जाता हूँ, उसे फिल्म करता हूँ, एडिट करता हूँ, और जैसे बैकग्राउंड स्कोर धीरे धीरे बढ़ने लगता है, ब्रू आर्मी नोज इट, मैजिक इज अबाउट टू हैपन राइट अवे. सही था ना? और यार, हम लोग अपनी पानी की बॉटल को गाड़ी में भूल गए थे और बहुत तेज प्यास लग गई थी. एंड दैट्स हाउ वी ट्राइड प्योर पानी. ठीक है, मजा आ गया. अमेजिंग है क्या? क्या बात है. ओ शिट ब्रो. भाई समर भाई, अलग फ्लेवर बाबा. वो हिमालयन वाली बॉटल जो आती है, यही से भरते होंगे वो पानी. 100 रुपए की बेचते हैं. टेस्ट ही अलग है बाबा. और फिर हम मिले गांव के कुछ क्यूट बच्चों से, और हमारी मुलाकात हुई हमारे एक सब्सक्राइबर से जो कि जांस्कार की एक सोलो बाइक ट्रिप पर निकले हुए हैं. सुनते हैं इनकी कहानी. मेरा नाम सांशु है और मैं देहरादून से हूँ. मैं कम से कम एक महीने से ऊपर हूँ यहाँ लेह में, और बाकी सारे जो फ्रेंड्स थे सबके साथ साथ छोड़ के चले गए हैं. अकेला बस निकल पड़ा मैं. बस मैंने एक चीज देखा था कि आप जांच करके निकल रहे हो, मैंने कहा कहीं ना कहीं टकराएंगे ब्रो. यो मैन, हम लोग टकराए यहाँ पर एकदम शीला वाटरफॉल के सामने. मजा आ रहा है यार, बहुत फील आ रही है और मजा आता है यार. अपनी ब्रू आमी से मिलते हैं तो. आपके यूट्यूब चैनल का नाम? टाइम ट्रैवलर. टाइम ट्रैवलर, क्या बात है. टाइम ट्रैवलर है ये, समझ रहे हैं आप. सब्सक्राइब टू टाइम ट्रैवलर. थैंक यू. थैंक यू. क्या हुआ? जब ये मैं रंगून जा रहा था ना, पूरा वैसी है खराब रोड, सिर्फ चल रहे हैं, चल रहे हैं, चल रहे हैं. ठीक है, जब कोई मिला ही ना बंदा सड़क पे जो काम करते हैं, उनको सामने रोक के मैंने कुछ देर बातें करी उनसे. ऐसे हाँ, चलो कोई इंसान तो मिला बात करने के लिए. ये बात तो है यार, ऐसे बड़े ट्रिप्स में ना आपको रियलाइज होता है कि लोग कितने इंपॉर्टेंट है. बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल. ये बात तो है यार, मतलब दोस्तों के साथ ट्रिप का मजा ही अलग है, चाहे वो आपके शहर के अंदर गेड़िया मार रहा हो या फिर पहाड़ों की कोई ट्रिप.
नाइस। ट्राई करो ट्राई। गुड सनसेट। शक्ति भाई चला रहे बाइक। और जब मैं यहाँ बाइक राइड कर रहा था, ऐसा लग रहा था कि किसी मूवी का सीन चल रहा हो। आई मीन आई कुड नॉट आस्क फॉर अ बेटर एंड टू दिस ब्यूटीफुल डे। इसके बाद सुधांशु भाई को बाय बोला एंड इट वॉज द टाइम टू लीव शीला विलेज। Alright guys, let's go! तो यहाँ पर समर भाई लाइव स्केचिंग करते हुए आंटी की हंसों को तो फिर एक्सप्रेशन चेंज होते रहेंगे, ऐसा नहीं है, सेम एक्सप्रेशन रखने हैं। सुंदरी इज आर्टिस्ट, क्या बात है। लास्ट एपिसोड में सीरीज के बहुत क्रेजी होने वाला है, मेरे पास ये वर्ड्स। विद दिस बीइंग सेड, आई सी यू गाइस इन माय नेक्स्ट व्लॉग। टिल देन कीप चिलिंग, कीप एंजॉयिंग एंड डू नॉट फॉरगेट, बाबा यू आर ब्यूटीफुल। और हाँ, एक और बात बोलनी थी कि यार मैं बहुत एफर्ट्स डाल रहा हूँ वीडियो बनाने में, एडिट करने में, इस वजह से मैं ट्रैवल कम कर पा रहा हूँ। टू सॉल्व दैट थिंग आई वॉज लुकिंग फॉर अ रियली स्किल्ड एडिटर। तो अगर आप ट्रैवलिंग मंडेज में एज एडिटर ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर या फिर मेरे ईमेल आईडी पर अपना वर्क सैंपल भेज सकते हैं। इफ इट्स क्रेजी then I would love to welcome you as the editor in our team. तो यही बोलना था। अब देखते हैं थोड़े raw moments इस vlog के। Check this out. जुले जुले जुले, क्या पढ़ रहे हो आप लोग? Science। Painting कर रहे हो? Painting कर रहे हो। अरे वाह, वो छुपा लिया उसने। Nice। This is my painting। Very nice, very nice। This is my। Very good, yeah, very good। This is my। Very nice. Smiling like you. Oh. Okay. आपको कोई प्रेयर आता है, कोई गाना आता है लद्दाख की? हाँ। Thank you, Julie. Thank you. Namaste. Namaste. Bye-bye. Bye. Bye-bye.